हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे डेटाबेस में रेट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि डेटाबेस में रेट टेक्नोलॉजी क्या है। रेट टेक्नोलॉजी क्या है और इसका क्या यूज़ है वो देखते हैं। तो रेट टेक्नोलॉजी का बेसिकली यूज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या है, तो इससे रिगार्डिंग मेरे बहुत सारे जो है वीडियोस पड़े हुए हैं। तो उन वीडियोस को आप जा कर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो है वो नेटवर्किंग के एनवायरनमेंट में अलग अलग साइट्स पे डेटाबेस का पूरा एक सेटअप तैयार कर दिया जाता है और इंफॉर्मेशन की पार्टीशनिंग करके अलग अलग डेटाबेस के सेटअप पे ले जा कर के स्टोर कर दिया जाता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम बोलते हैं। तो कैसे, लेट सपोज मैस या बस टोपोलॉजी का एक नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट है और उस नेटवर्किंग के एनवायरनमेंट में नेटवर्किंग के एक साइट पे जो है डेटा को स्टोर करने के लिए जो है फिजिकल डेटा स्टोरेज डिवाइसेस वहां पे लगाए गए हैं। उसके बाद प्रोसेसर जो है इंस्टॉल किया गया है, मेमोरी इंस्टॉल की गई है। तो इससे जो है नेटवर्किंग के उस साइट पे पूरा का पूरा एक डेटाबेस का सेटअप तैयार हो गया। फिर इसी तरीके से नेटवर्किंग के दूसरे साइट पे भी हम फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस को इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे प्रोसेसर को इंस्टॉल करेंगे, मेमोरी को इंस्टॉल करेंगे। तो डेटाबेस का दूसरा साइट वहाँ पे मतलब दूसरा सेटअप तैयार हो जाएगा। तीसरे नेटवर्किंग के तीसरे साइट पे भी जा करके हम इसी तरीके से डेटाबेस का सेटअप तैयार कर लेंगे और नेटवर्किंग के चौथे साइट पे जाकर हम डेटाबेस का सेटअप तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे पास डेटाबेस के चार सेटअप हो गए नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि उसको कितने जो है डेटाबेस का सेटअप तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने जो है चार डेटाबेस के सेटअप का एग्जांपल लिया है। अब जो है कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर की जाती है। जैसे एम्प्लॉई के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एम्प्लॉई टेबल में स्टोर किया जाता है, डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट टेबल में स्टोर किया जाता है, लोकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लोकेशन टेबल में स्टोर कर दिया जाता है। तो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन कैसी है। तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अलग अलग टेबल्स बना करके उन टेबल्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाता है और फिर उन टेबल्स की पार्टिशनिंग की जाती है। हमारे पास चार डेटाबेस के सेटअप है नेटवर्किंग के एनवायरनमेंट में। तो उन टेबल्स को इंफॉर्मेशन जो टेबल्स में स्टोर की है उन टेबल्स की चार अलग अलग पार्टिशनिंग करके डेटाबेस के चारों सेटअप यानी कि नेटवर्किंग के चारों साइट पे जो है उन पार्टिशनिंग की हुई टेबल को ले जाकर के स्टोर कर देते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के इंफॉर्मेशन टेबल्स में स्टोर की जाती है, उन टेबल्स की पार्टिशनिंग करके डेटाबेस के अलग अलग साइट पे ले जाकर के स्ट्राइप कर दिया जाता है, ले जाकर के स्टोर कर दिया जाता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम बोलते हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में रेट टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले रेट टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, तो इट स्टैंड्स फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो रेट टेक्नोलॉजी का मतलब है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रेट का मतलब है आर स्टैंड्स फॉर रिडंडेंट, ए स्टैंड फॉर एरे, आई फॉर इंडिपेंडेंट एंड डी फॉर डिस्क। तो इस तरीके से रेड की फुल फॉर्म हो गई रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो ये तो था रेड टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म थी ये। अब जो है रेड टेक्नोलॉजी का क्या यूज है वो देखते हैं। तो रेड टेक्नोलॉजी जो है क्या है, इट इज ए मेथड ऑफ कंबाइनिंग सेवरल हार्ड डिस्क ड्राइव्स इनटू वन लॉजिकल यूनिट दैट ऑपरेट इन पैरेलल एंड
एक्ट एज ए सिंगल हायर परफॉर्मेंस लॉजिकल डिस्क इन प्लेस ऑफ ए सिंगल वेरी लार्ज डिस्क। तो रेड टेक्नोलॉजी क्या है? रेड टेक्नोलॉजी एक मेथड है, कंबाइन करने का एक मेथड है। क्या कंबाइन करने का एक मेथड है? तो सेवरल हार्ड डिस्क ड्राइव को कंबाइन करने का एक मेथड है। तो सेवरल हार्ड डिस्क ड्राइव को कंबाइन करना है किसमें? इनटू वन लॉजिकल यूनिट। एक लॉजिकल यूनिट में कंबाइन करना है और वो सिंगल लॉजिकल यूनिट जो है ऑपरेट करेगा इन पैरेलल वे में वो ऑपरेट करेगा और एक्ट करेगा एक सिंगल हायर परफॉर्मेंस लॉजिकल डिस्क की तरह इन प्लेस ऑफ ए सिंगल वेरी लार्ज डिस्क। एक सिंगल बहुत बड़े लार्ज डिस्क की जगह पर वो एक सिंगल हायर परफॉर्मेंस लॉजिकल डिस्क की तरह काम करेगा। तो रेड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सेवरल हार्ड डिस्क ड्राइव को कंबाइन करके एक लॉजिकल यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं और वो लॉजिकल यूनिट जो है ऑपरेट करता है पैरेलल वे में। मतलब लेट सपोज हमने 10 हार्ड डिस्क ड्राइव को कंबाइन कर दिया है एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में, तो 10ों हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ऑपरेट करेंगे पैरेलल वे में, एक साथ वो काम करेंगे और एक्ट करेंगे एक सिंगल हायर परफॉर्मेंस लॉजिकल डिस्क की तरह एक सिंगल वेरी लार्ज डिस्क की जगह पे। तो इसके बाद जो है द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सेवरल डिस्क, और ये जो सेवरल डिस्क को हम कंबाइन कर रहे हैं तो सेवरल डिस्क को कंबाइन करने के बाद इसका जो पैरेलल ऑपरेशन होगा, सेवरल डिस्क का एक साथ जो काम होगा, तो ये क्या करेगा, ये इम्प्रूव कर देगा जब किसी भी डेटा को डेटाबेस से रीड किया जाएगा या किसी भी डेटा को डेटाबेस में जब राइट किया जाएगा, तो इसकी परफॉर्मेंस को क्या करेगा, ये सेवरल डिस्क जो पैरेलल वे में काम कर रही है इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देगा, बढ़ा देगा। तो नेक्स्ट जो है, डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सेवरल डिस्क। तो ये जो है सेवरल डिस्क जो है इन सेवरल डिस्क पे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, मतलब कंपनी की इंफॉर्मेशन टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होती है, तो उन टेबल्स की पार्टिशनिंग करके जो है अलग अलग डिस्क के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूट करके स्टोर कर दिया जाता है, और रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर दिया जाता है मल्टीपल डिस्क के ऊपर। तो जितने भी डिस्क लगे हुए हैं तो अलग अलग जितने भी डिस्क लगे हुए हैं तो अलग अलग डिस्क के ऊपर जो है रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करके रखा जाता है। मतलब एक डिस्क के ऊपर उसकी अपनी इंफॉर्मेशन तो होगी होगी, लेकिन बाकी जितने भी डिस्क लगे हुए हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन उस एक डिस्क के ऊपर स्टोर होगी, उसको रिडंडेंट इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरे डिस्क के ऊपर जो है उसकी अपनी तो इंफॉर्मेशन होगी होगी, साथ ही साथ और जो डिस्क लगे हुए हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन वहां पे पड़ी होगी, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन वहां पे पड़ी होगी। उसके बाद तीसरा जो डिस्क है उसकी अपनी तो इन्फॉर्मेशन होगी होगी, बाकी डिस्क की भी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन उसमें पड़ी होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मल्टीपल डिस्क के ऊपर डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन रिडंडेंट इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है। तो इससे फायदा क्या है कि इन केस ऑफ डिस्क फेलियर, तो लेट सपोज कोई एक डिस्क फेल हो गया है तो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को यूज करके उस डिस्क फेलियर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। डेटा स्ट्राइपिंग, तो समझते हैं कि डेटा स्ट्राइपिंग क्या है। तो डेटा स्ट्राइपिंग जो है इट डिस्ट्रीब्यूट्स डेटा ट्रांसपेरेंटली ओवर मल्टीपल डिस्क टू मेक देम अपियर एज ए सिंगल लार्ज फास्ट डिस्क। तो डेटा स्ट्राइपिंग में क्या होता है कि डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को
ट्रांसपेरेंटली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है मल्टीपल डिस्क के ऊपर, और वो जो मल्टीपल डिस्क में जो इंफॉर्मेशन है वो अपीयर होती है, दिखने में लगती है एक सिंगल लार्ज फास्ट डिस्क की तरह। और जो है डेटा स्ट्राइपिंग जो है या फिर पैरेललिज्म कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटेशन और स्प्लिटिंग ऑफ डेटा इनटू इक्वल साइज पार्टीशन विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीपल डिस्क कॉल्ड डिस्क एरे। तो डेटा स्ट्राइपिंग जो है उसमें क्या होता है कि डेटा की स्प्लिटिंग की जाती है, डेटा या इंफॉर्मेशन जो फाइल में पड़ी हुई है तो उस फाइल की स्प्लिटिंग की जाती है, उस फाइल को तोड़ दिया जाता है इनटू इक्वल साइज पार्टीशन। इक्वल साइज पार्टीशन में उस फाइल को तोड़ दिया जाता है और फिर उस इक्वल साइज पार्टीशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है मल्टीपल डिस्क के ऊपर। तो उसी मल्टीपल डिस्क को डिस्क एरे भी कहते हैं। तो द साइज ऑफ द पार्टीशन इज कॉल्ड स्ट्राइपिंग यूनिट। तो वो जो फाइल की जो स्प्लिटिंग की है, फाइल को तोड़ करके इक्वल साइज पार्टीशनिंग जो की है, तो वो जो साइज पार्टीशन जो है, जो एक छोटा सा जो पार्टीशन की हुई जो फाइल है, उस जो है साइज ऑफ द पार्टीशन को स्ट्राइपिंग यूनिट कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास डायग्राम में फाइल ए है, मतलब एक फाइल है हमारे पास और उस फाइल की स्प्लिटिंग की गई है, उस फाइल को तोड़ दिया गया है इक्वल साइज पार्टीशन में। तो फाइल ए वन, फाइल ए टू, फाइल ए थ्री, फाइल ए फोर, तो फाइल ए को चार इक्वल साइज, फाइल ए की चार इक्वल साइज में पार्टीशनिंग की गई है और इन चारों इक्वल साइज पार्टीशन को मल्टीपल डिस्क के ऊपर जो है स्टोर कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। टाइप्स ऑफ स्ट्राइपिंग, तो इस स्लाइड में अब समझते हैं कि स्ट्राइपिंग के कितने टाइप्स हैं। तो बेसिकली स्ट्राइपिंग जो है कैन बी डन, स्ट्राइपिंग को कर सकते हैं एट टू लेवल्स, दो लेवल पे स्ट्राइपिंग की जा सकती है, एक तो बाइट लेवल है और दूसरा इन द ब्लॉक लेवल। तो दैट मीन्स कि स्ट्राइपिंग दो लेवल पे की जा सकती है, एक तो बाइट लेवल पे और एक ब्लॉक लेवल पे। तो आइए समझते हैं कि बाइट लेवल स्ट्राइपिंग क्या है। तो जो बाइट लेवल स्ट्राइपिंग है, तो बाइट लेवल स्ट्राइपिंग मीन्स दैट द फाइल इज ब्रोकन इनटू बाइट साइज्ड पीसेस। द फर्स्ट बाइट ऑफ द फाइल इज सेंट टू द फर्स्ट ड्राइव, द सेकेंड टू द सेकेंड ड्राइव एंड सो ऑन। तो बाइट लेवल स्ट्राइपिंग में क्या होता है कि एक फाइल को जो है बाइट साइज्ड पीसेस में तोड़ करके फर्स्ट बाइट को जो है, फाइल की जो फर्स्ट बाइट है उसको फर्स्ट ड्राइव में ले जा करके स्टोर कर दिया जाता है, दूसरे बाइट साइज को दूसरे ड्राइव में, तीसरे बाइट साइज को तीसरे ड्राइव में ले जा करके स्टोर कर दिया जाता है, चौथे बाइट साइज को चौथे ड्राइव में। तो इसी तरीके से जो है बाइट को अलग-अलग ड्राइव्स में ले जा करके स्टोर कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं बाइट लेवल स्ट्राइपिंग। अब समझते हैं कि ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग क्या है। तो ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग मीन्स दैट इच फाइल इज स्प्लिट इनटू ब्लॉक ऑफ ए सर्टेन साइज एंड दोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस ड्राइव्स। तो ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग में क्या होता है कि किसी भी फाइल को जो है ब्लॉक में तोड़ दिया जाता है, एक सर्टेन साइज के ब्लॉक में तोड़ दिया जाता है और उस सर्टेन साइज के ब्लॉक को जो है अलग अलग ड्राइव्स के ऊपर स्टोर कर दिया जाता है। तो द साइज ऑफ द ब्लॉक्स यूज्ड इज कॉल्ड स्ट्राइप साइज और ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक की जो साइज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक सर्टेन साइज ऑफ ब्लॉक को जो यूज कर रहे हैं, तो उस सर्टेन साइज ऑफ ब्लॉक को यहाँ पे स्ट्राइप साइज या ब्लॉक साइज भी
कहते हैं। एडवांटेज ऑफ रेड टेक्नोलॉजी, तो अब समझते हैं कि रेड टेक्नोलॉजी के एडवांटेज क्या है और फिर इसके बाद समझेंगे कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले जो है एडवांटेज में देखते हैं, तो इसका पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि सिंस रीड रिक्वेस्ट कैन बी सेंड टू एनी ऑफ द मल्टीपल डिस्क इन पैरेलल, द रेट ऑफ रीड रिक्वेस्ट इज ऑलमोस्ट डबल। तो रीड रिक्वेस्ट जो है, यानी कि किसी यूजर ने कोई इन्फॉर्मेशन फेच करना चाहा, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट जब आती है मल्टीपल डिस्क से इन्फॉर्मेशन को फेच करने के लिए, तो वो जो रीड रिक्वेस्ट है, मल्टीपल यूजर की जो इन्फॉर्मेशन को फेच करने के लिए जो रिक्वेस्ट है उसको रीड रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो वो रीड रिक्वेस्ट मल्टीपल डिस्क में एक साथ जब जाती है तो क्या होता है कि रीड रिक्वेस्ट का जो रेट है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को फेच करने की जो स्पीड है, वो लगभग लगभग डबल हो जाती है। तो ये इसका फर्स्ट एडवांटेज है। नाउ जो सेकंड एडवांटेज है वो है हाई डेटा ट्रांसफर रेट। तो इसमें डेटा का ट्रांसफर रेट हाई होता है। उसके बाद थ्रोपुट ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है पर सेकेंड इंक्रीज हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं थ्रोपुट। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकेंड जब ज्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसको बोलते हैं थ्रोपुट ऑफ द सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो पूरी की पूरी परफॉर्मेंस जो है डेटाबेस की वो इम्प्रूव हो जाती है। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रेड टेक्नोलॉजी। तो हैविंग मोर डिस्क रिड्यूस ओवरऑल सिस्टम रिलायबिलिटी। तो इतने सारे डिस्क लगे होते हैं रेड टेक्नोलॉजी में, तो इतने सारे डिस्क की वजह से जो है सिस्टम रिलायबल नहीं होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेवल्स ऑफ रेड टेक्नोलॉजी, तो अब समझते हैं कि रेड टेक्नोलॉजी के कितने लेवल्स हैं। तो लेवल्स का मतलब यहाँ पे डिस्क से है। तो रेड टेक्नोलॉजी में जो है देयर आर 7 लेवल्स ऑफ रेड टेक्नोलॉजी। तो रेड टेक्नोलॉजी के 7 लेवल्स होते हैं 0 to 6। तो यहाँ पे हम जो है 0 लेवल रेड को समझते हैं। तो रेड 0 लेवल में जो है डिस्क के ऊपर क्या कंडीशन है, तो रेड 0 लेवल में क्या होता है, डेटा इज स्ट्राइप्ड अक्रॉस मल्टीपल डिस्क। तो इसमें क्या होता है कि डेटा को स्ट्राइप कर दिया जाता है, डेटा की पार्टिशनिंग करके मल्टीपल डिस्क के ऊपर स्टोर कर दिया जाता है, बट नो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। लेकिन डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन को किसी भी डिस्क के ऊपर स्टोर नहीं किया जाता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि एनी डिस्क फेलियर रिजल्ट्स इन डेटा लॉस। अगर इस केस में कोई डिस्क फेल हो जाए तो इंफॉर्मेशन भी लॉस्ट हो जाती है, डेटा लॉस्ट हो जाता है। रेड 1, तो रेड 1 में क्या होता है, मिरर डिस्क। मिरर डिस्क का मतलब है कि दो डिस्क के ऊपर सेम डेटा को रखा जाता है। तो डेटा इज रिटर्न टू टू डिस्क साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही डेटा को जो है दो डिस्क के ऊपर साइमल्टेनियसली रख दिया जाता है। इफ वन गेट्स फेल्ड, अगर एक डिस्क फेल हो जाए तो अनदर कैन बी यूज, तो दूसरे डिस्क को यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हमारे पास है रेड 2। तो रेड 2 में क्या होता है कि यूज बिट लेबल स्ट्राइपिंग। तो इसमें क्या होता है कि डेटा की पार्टिशनिंग करके जब अलग अलग डिस्क के ऊपर स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे डेटा की पार्टिशनिंग बिट लेबल पे होती है और हर बिट लेबल में एक हैमिंग
कोड को रखा जाता है ताकि अगर कोई कहीं भी डिस्क फेलियर की कंडीशन पैदा हो तो वहां पर एरर करेक्टिंग कोड लेकर के उस डिस्क को जो है रिकवर कर ले। तो यहाँ पे बिट लेवल पे डेटा के स्ट्राइपिंग करके जो है हैमिंग कोड, एरर करेक्टिंग कोड के लिए हैमिंग कोड को भी लिखा जाता है। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ डिस्क रिक्वायर्ड, इसमें जितने भी डिस्क की जरूरत होती है वो डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसा चाहते हो। तो जितना बड़ा इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उतना ही नंबर ऑफ डिस्क की रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट लेवल जो है वो है रेड थ्री। तो रेड थ्री में क्या होता है, यूज बाइट लेवल स्ट्राइपिंग विद डेडिकेटेड पैरिटी, पैरिटी इज रिटर्न टू वन एडिशनल डिस्क। तो रेड थ्री में क्या होता है कि डेटा की पार्टिशनिंग की जाती है बाइट लेवल पे, डेटा की स्ट्राइपिंग की जाती है बाइट लेवल पे, और बाइट लेवल पे डेटा की स्ट्राइपिंग करके मल्टीपल डिस्क के ऊपर स्टोर कर दिया जाता है, और साथ ही साथ एक डेडिकेटेड पैरिटी भी लिखी जाती है एक एडिशनल डिस्क पे। तो डेडिकेटेड पैरिटी का मतलब बिट का ये कॉम्बिनेशन होता है जिससे क्या होता है कि इन केस मल्टीपल डिस्क में अगर कोई डिस्क फेल हो जाए तो डेडिकेटेड पैरिटी क्या करता है, उस एडिशनल डिस्क पे जो डेडिकेटेड पैरिटी है वो चेकसम नाम के फंक्शन से वो जो डिस्क फेल हो गया है उस डिस्क को रिकवर कर लेता है चेकसम नाम के फंक्शन से कैलकुलेशन करके। तो इसमें जो है रिक्वायर्स मिनिमम 3 ड्राइव्स टू इम्प्लीमेंट। तो रेड थ्री में जो है कम से कम 3 हार्ड डिस्क ड्राइव की जरूरत पड़ती है। रेड फोर तो यूज ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग विथ डेडिकेटेड पैरिटी, तो पैरिटी इज रिटर्न टू वन एडिशनल डिस्क। तो ऊपर वाला ये सेम है बट यहाँ पे डेटा की जो स्ट्राइपिंग की जाती है, डेटा की जो पार्टिशनिंग की जाती है वो बाइट लेवल पे नहीं ब्लॉक लेवल पे स्ट्राइपिंग करके मल्टीपल डिस्क के ऊपर स्टोर कर दिया जाता है और एक डेडिकेटेड पैरिटी को एडिशनल डिस्क में जो है लिख दिया जाता है। तो इन केस ऑफ एनी डिस्क फेलियर जो है जो पैरिटी एडिशनल डिस्क पे लिखी हुई है वो पैरिटी जो है बिट का जो कॉम्बिनेशन है वो चेकसम नाम के फंक्शन से रिकैलकुलेशन करके उस जो है वो फेलियर वाले डिस्क को ये रिकवर कर लेता है। इसमें भी जो है मिनिमम 3 ड्राइव्स की जरूरत पड़ती है रेड फोर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। रेड फाइव तो यूज ब्लॉक लेबल स्ट्राइपिंग। तो इसमें क्या है, ब्लॉक लेबल पे स्ट्राइपिंग की जाती है, मतलब डेटा या इंफॉर्मेशन की पार्टिशनिंग ब्लॉक लेबल पे करके मल्टीपल डिस्क के ऊपर स्टोर कर दिया जाता है विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी भी होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी में क्या होता है कि डेटा और पैरिटी कॉम्बिनेशन ऑफ बिट को दोनों को मल्टीपल डिस्क के ऊपर साइमल्टेनियसली एक साथ लिख दिया जाता है। अगर कोई भी डिस्क फेल हो जाए तो उस डिस्क की रिकवरी जो है दूसरे डिस्क के ऊपर, अन्य बहुत सारे दूसरे डिस्क के ऊपर जो डेटा या पैरिटी वगैरह जो है उस पैरिटी को यूज करके डिस्क की फेलियर डिस्क की रिकवरी हो जाती है। तो जो है रिक्वायर्स मिनिमम 3 ड्राइव्स टू इम्प्लीमेंट। तो इसमें भी जो है मिनिमम 3 हार्ड डिस्क ड्राइव चाहिए रेड फाइव को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट जो है रेड सिक्स है। तो इसमें क्या होता है, यूज ब्लॉक लेबल स्ट्राइपिंग। इसमें भी ब्लॉक लेबल पे स्ट्राइपिंग की जाती है डेटा की बट इसमें ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी होती है। ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी का मतलब
मल्टीपल डिस्क के ऊपर जो है पैरिटी तो होती होती है, साथ में एक्स्ट्रा पैरिटी बिट स्टोरेज भी होती है, तो वहाँ भी पैरिटी बिट होती है। तो इन केस ऑफ एनी डिस्क फेलियर जो है एक्स्ट्रा पैरिटी बिट स्टोरेज से जो है फेलियर डिस्क की रिकवरी हो जाती है, या मल्टीपल डिस्क के ऊपर जो पैरिटी पड़ी हुई है उससे भी डिस्क की फेलियर डिस्क की रिकवरी हो जाती है। तो जो है ये था 0 से लेकर के 6 लेवल, यानी कि जो है रेड टेक्नोलॉजी के 7 लेवल्स है, 7 लेवल्स है। तो 0 to 6 में हमने 7 लेवल्स को देखा। अब जो है फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन का जो है मेरा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, और जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।